वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे पास आई है किया सेल्टॉस। ये आई है हमारे पास वॉशिंग के लिए। हमेशा की तरह हमारा सबसे पहला काम होगा कार को लिफ्ट पे चढ़ाना, जिससे हम इसके अंडर बॉडी अच्छे से साफ कर सकें। देख सकते हैं इस कार की बॉडी कितनी गंदी है। सिर्फ बॉडी नहीं, इसके व्हील आर्चेस और इसकी अंडर बॉडी भी बहुत गंदी हो चुकी है। करने वाले हैं इसकी अंडर बॉडी साफ और साथ में उसके बाद हम इसको इसके करेंगे टायर साफ। हमने इसके नीचे अंडर बॉडी में सारा पानी तो मार दिया, सारी मोटी मोटी मिट्टी हमने निकाल दी है। अब हम इसके बाद इसके टायर्स पे मारेंगे शैम्पू और इसके व्हील आर्चेस पे। हमने इस कार के टायर्स वगैरह सारे साफ कर लिए हैं। अब हम इस कार को उतारेंगे लिफ्ट से नीचे और फिर उसके बाद इसको करेंगे फोम वॉश। फोम वॉश के लिए पहले हम इसको इस कार के ऊपर पूरा पानी मारेंगे, जिससे जो सूखी मिट्टी है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगी। उसके बाद फोम से तो सारी निकल ही जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले और अब में कितना डिफरेंस है कार में। अभी ये कार सारी गिल्ली है, अभी हम इसको लेके जाएंगे अंदर और फिर इसके पहले कपड़ा मारेंगे, इसके शीशे वगैरह साफ करेंगे, फिर हम फिर बारी आएगी इसके इंटीरियर की। ये कार बाहर से रेडी हो चुकी है, अब बारी आती है इसके इंटीरियर की।
ये देखिए कितनी मिट्टी है कार में। अभी पहले हम इस कार को वैक्यूम करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल स्टेप पॉलिश। इसके सारे क्लीन कर लिए हैं, अब बारी आती है इसके डैशबोर्ड एंड डोर्स पे पॉलिश मारने की। क्योंकि इसके ब्लैक हैं इसलिए हम इन पे पॉलिश मारेंगे, और जो वाइट पार्ट है उस पे हम पॉलिश नहीं मारेंगे। जैसे कि हमने इस डोर पे पॉलिश मारी है, ऐसे ही हम गाड़ी के सारे पैनल्स पे पॉलिश मारेंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं। इसके इंटीरियर पे सारी पॉलिश मारने के बाद हमने जब देखा कि जो इसके बाहर के पैनल थे वो सारे वाइट हो रहे हैं, तो हमने सोचा इस पर भी पॉलिश मार ही देते हैं। पॉलिश मार दी, अब आप देख ही सकते हैं इसकी ग्रेस ही अलग आ रही है। और अब सिर्फ एक चीज रह गई है इस गाड़ी में करने वाली, वो क्या है, इसके टायरों पर पॉलिश मारने। चाहे इसके टायर पूरे ब्लैक हो चुके हैं वॉश के साथ ही, बट पॉलिश मार के इनमें एक अलग शाइन आ जाएगी। Guys, like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.